नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आप मुझे सुन रहे हैं अपने प्रिय चैनल राष्ट्रधर्म में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज निधन हो गया। सवेरा हुआ ही था, सूर्य चढ़ा ही था कि लोगों को ये खबर आने लगी। आज सुबह 3:30 बजे हीराबा ने UN मेहता अस्पताल अहमदाबाद में अंतिम सांस ली। हीराबा को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने PM मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया और पूरे भारत में एक शोक की लहर उमड़ पड़ी। मां के निधन की सूचना मिलने के बाद PM मोदी गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे और मां के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करी। इस दौरान PM मोदी के साथ उनके सभी भाई मौजूद थे। आइए जानते हैं PM मोदी के परिवार के बारे में सब कुछ। 6 भाई बहन हैं PM मोदी। दामोदर दास मोदी की शादी हीरा बहन के साथ हुई। सबसे बड़े बेटे सोम भाई मोदी, दूसरे नंबर पर अमृत भाई मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। PM नरेंद्र मोदी से छोटे उनके भाई प्रहलाद मोदी, फिर एक लौती बहन बसंती बहन और सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। यूं तो माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी माँ में आरोप लगता है कि माँ सबसे छोटे वाले को प्रेम करती है। कोई कहता है कि नहीं नहीं माँ ने मझले वाले को प्रेम करा, सबसे बड़े वाला तो नज़रअंदाज ही हो गया, या कभी बीच वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, सब या तो सबसे छोटा बनो या सबसे बड़ा। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चे सभी बराबर होते हैं। एक चिड़िया जब दूर आसमान में उड़कर जाती है, वो शाम को जब उनके लिए अनाज चुग कर लाती है, तो उसे पता होता है उसका घोंसला कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं। सभी बच्चों के मुँह में बारी बारी से वो खाना डालती है। इसी प्रकार एक माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। हाँ, कोई बच्चा होशियार, कोई बच्चा थोड़ा कम होशियार हो सकता है, लेकिन माँ की नज़र में सारे बच्चे एक से होते हैं। इसलिए हीराबा ने सब बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। इन्हीं अच्छे संस्कारों का नतीजा है कि उस छोटे से बालक में, जिसकी माँ ने जद्दोजहद करी, घरों में काम करा, बर्तन मले, झाड़ू कटका करा, उस माँ की संतान आगे चलकर PM मोदी के रूप में सामने आई। ये कोई आम बात नहीं थी, ये थे संस्कार हीराबा के। हीराबा ने जिस संस्कारों से PM मोदी को सींचा, वो संस्कार आज भी दिखे। आज जब वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके आए, आंखों में नमी थी और ये भी सुनने में आया कि वो बहुत फूट फूट के रोए। ये बात है कि उनकी माँ है, आवश्यक है रोएंगे ही, लेकिन उन्होंने अपना जो दर्द था वो अपने सीने में समेट के रखा और दुनिया को जाहिर नहीं होने दिया। वो तो उनके चेहरे पर भी हम देख सकते थे, लेकिन वो कितनी कोशिश कर रहे थे कि वो दर्द ना दिखे। फिर उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम करे। हाँ, वहाँ वो मौजूद नहीं रहे व्यक्तिगत तौर पर, जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। ये उनकी महानता का परिचय, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, ये हीराबा के संस्कार थे। उन्होंने खुद लिखा था कि हीराबा ने कहा था कि बेटा कर्म करते चलना, देश की सेवा करते चलना। उनके लिए उनका बेटा कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा आदमी नहीं, बस बड़ा प्रधान था। वो अपने बड़े प्रधान से ये चाहती थी कि मेरा जो बड़ा प्रधान है वो देश की सेवा करते रहे और सेवा करने पर कोई कोताही ना बरते। आज उस हीराबा को PM मोदी जैसे प्रधानमंत्री देने के लिए हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी माँ जिसने इतना होनहार बेटा जन्मा, आज देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। हम हीराबा को नमन करते हैं जिसने इतने संघर्षों से अपने 6 बच्चों को पाला। हर उस माँ को नमन करते हैं जिसने संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला, कर्मठ बनाया कि वो समाज और देश की सेवा कर सके। आज PM मोदी ने जब क्रियाक्रम किया, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि वो एक दिन का अवकाश या शोक करेंगे, परंतु उन्होंने संताप करने के उपरांत अपने देश के लिए अपनी कर्मठता दिखाई और अपने तयशुदा कार्यक्रम करे। आइए उस माँ को नमन करते हैं जिसने 9 महीने कोख में रख के ऐसी होनहार संतान को जन्म दिया। हीराबा, ये देश आपका ऋणी रहेगा। हीराबा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। हीराबा, आप जैसी माँ हर महिला को बनना चाहिए। हीराबा, आपको नम आंखों से नमन। आज हमारे बीच में हीराबा नहीं रही, लेकिन वह अपने देह त्याग के भी एक तरह से देश के लिए अमर हो गई। हर महत्वपूर्ण क्षण में
पीएम मोदी उनसे आशीर्वाद लेते थे, वो आशीर्वाद फलता भी था, हंसी ठिठोली भी अपनी माँ से करते थे। आज हीरा बा की वो हंसी ठिठोली हमेशा याद आएगी। उनकी देह तो चले गई लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक आत्मा के तौर पर वो अमर हो गए। दोस्तों अपनी श्रद्धांजलि हीरा बा को ज़रूर दीजिएगा, दो शब्द अवश्य लिखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का दिन बहुत दुखद रहा। आप पीएम मोदी को पसंद करें या ना करें, उनकी कर्मठता की तो आपको दाद देनी पड़ेगी। संस्कार माँ के होते हैं तो उस माँ के लिए दो शब्द अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवानी, जय क्लिंग जी महाराज।